फॉरेन की शादियों में सूट पहनती है और इंडिया की शादी में शेरवानी, लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका एक साइंटिफिक रीजन है। लेकिन क्या हो अगर आपको एक कॉम्पिटिशन जीतने का 40 किलो सोना मिल जाए? 1991 में एक ऐसा एरोप्लेन जो 1086 लोगों को लेकर उड़ा था, लेकिन जब लैंड किया तब 1088 लोग हो गए। तो फिर वो कैसे हुआ? आपने अक्सर देखा होगा कि फॉरेन की शादियों में लोग सूट पैंट पहनते हैं, लेकिन वहीं पर इंडिया में शेरवानी, लेकिन ऐसा क्यों? तो देखो, ये कल्चरल डिफरेंस के चलते तो होता ही है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। तो देखो, फॉरेन में ठंडे एटमॉस्फेयर के चलते टेम्परेचर लो होता है, इसलिए वहाँ पर 3-piece सूट पहनना पड़ता है ताकि पूरी बॉडी कवर हो और ठंड नहीं लगे। वहीं भारत में टेम्परेचर नॉर्मल होता है और उसी के चलते बहुत ही बढ़िया कलाकारी वाली, बहुत ही बढ़िया आर्ट वर्क वाली शेरवानी पहनी जाती है, जैसे हमारे राजा महाराजा लोग पहना करते थे। क्या हो अगर कोई ऐसा कंपटीशन हो जो आपको 40 किलो सोना दे सके? अगर आपको ये मजाक लग रहा है ना, तो दुबई में योर चाइल्ड इज गोल्ड नाम का कंपटीशन होता है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा ओवरवेट बच्चे, मतलब कि जिन बच्चों का वजन बहुत ज्यादा होता है, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें से जो बच्चा वेट कम करके बाहर निकलता है तो वो जीतता है, और उसको और उसकी फैमिली को 40 किलो से भी ज्यादा सोना मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में गिप्सलैंड नाम का एक झील है, या कहो तालाब है, जो रात को ग्लो करता है, मतलब ऐसे चमकता है। एक्चुअली ये लाइट एक केमिकल साइंटिफिक रिएक्शन की वजह से आती है, जिसको नेचुरल बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो 24 मार्च 1991 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, और एक बहुत ही अजीब सी घटना भी, जिसमें एक छोटे से प्लेन ने 1086 पैसेंजर्स को लेके उड़ा तो सही, लेकिन जब वो लैंड हुआ तब पैसेंजर 1088 थे। अब ऐसा कैसे हुआ? तो ये कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन फ्लाइट के दौरान दो औरतों को डिलीवरी हुई और दो बच्चे भी हो गए, इसी के चलते 1088 पैसेंजर हो गए। एल्विस प्रेस्ली, जो कि एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन है, जिनको म्यूजिक का बादशाह भी बोला जाता है, लेकिन जब वे स्कूल में थे ना, तब सब सब्जेक्ट में टॉप किए थे, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। और वो सब्जेक्ट कौन सा है मालूम है? वो है म्यूजिक। मतलब मेहनत करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, पिछला जो पास्ट है वो आपको फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। जापान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है इनाकाडेट, जहां पर चावल की खेती में कुछ इस टाइप का मस्त सा आर्टवर्क बनाया जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है, जिसको ड्रोन से देखने पर कुछ ऐसा दिखता है। वोल्टेयर नाम के एक बहुत ही बड़े फ्रेंच राइटर थे, जो बड़े ही कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव टॉपिक पर किताबें लिखते थे, बड़े लोगों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, और उसी के चलते उन्होंने अपना घर उनकी कंट्री के बॉर्डर पर बनाया था, ताकि अगर उनकी राइटिंग से गवर्नमेंट को गुस्सा आ जाए, कोई बड़े लोगों को गुस्सा आ जाए और उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो फिर वो आराम से दूसरी कंट्री में भाग सके जल्दी जल्दी। एक फनी बात तो है, लेकिन एक बहुत ही दिमाग दौड़ने वाली बात है। एक गजब की बात बताता हूँ, जो कि सुनने में बहुत ही वियर्ड लगेगी। अब देखो, 2014 में भारत ने एक मार्स मिशन किया था सक्सेसफुली, जिसका टोटल खर्च हुआ था 45 मिलियन पाउंड्स, और वहीं दूसरी तरफ हॉलीवुड में ग्रेविटी नाम की एक मूवी बनाई थी, जिसका खर्चा हुआ था 48 मिलियन पाउंड्स। मतलब जो काम रियलिटी में हो गया जितने पैसों में, उससे कहीं ज्यादा खर्चा एक उसी टॉपिक पर मूवी बनाने में लगा। जब भी आप नहाते हो ना, तब देखना आपको गजब लेवल के ख्याल आते हैं, बहुत सारे आइडियाज जो आपको नॉर्मली कभी सोच भी नहीं सकते, तो जिनको शावर थॉट्स कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नहाते वक्त आप सबसे ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो, आपकी बॉडी स्ट्रेस भी हो जाती है, और उसी के चलते आपको ऐसे थॉट्स आते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि नाइट विजन कैमरा जो होते हैं वो हमेशा ग्रीन ही क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ह्यूमन आई के लिए ग्रीन सबसे सेंसिटिव कलर है। ग्रीन कलर की जो शेड्स होता है वो इंसानी आंख आराम से देख सकती है, बहुत जल्दी पकड़ती है, इसलिए ग्रीन होता है। 1923 में बॉबी नाम का एक डॉग एक ट्रिप के दौरान अपने मालिक से बिछड़ गया था। कुछ समय के बाद वो टोटल 4015 किलोमीटर तक चल के अपने मालिक के पास वापिस आ गया। तो सोचो कि एक डॉग की सेंसेस कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती होगी, कि जो अपने मालिक के पास, अपने जो प्लेस है उसके पास वापिस आ सकता है इतनी दूर से भी। तो ये फैक्ट तो यहीं पे खत्म होते हैं, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि NNN नो नॉट नवंबर, तो उसको मैंने लिटरली खुद पे ट्राई किया था नवंबर महीने में, तो उसका रिजल्ट क्या आया था, क्या प्रॉब्लम आए थे, क्या साइड इफेक्ट आए थे, तो वो सब जानना है तो फिर आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो फिर इसके ऊपर क्लिक करो और देख लो, मेरा ओरिजिनल पर्सनल एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा। बाकी लाइक कमेंट शेयर वाला मामला तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर इच्छा हो तो भी कर देना, लेकिन ऐसे फैक्ट्स जानने हैं नहीं तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो फिर कर ही देना, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, डोंट बी ऑफिशियल।